हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. आज का हमारा विषय है फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्टेज ऑफ टाइम, समय को बर्बाद करने वाले घटक. यह तो हम जानते हैं कि आज हम बच्चे से लेके बूढ़े तक जिससे भी हम पूछेंगे वो यही पाएंगे कि उसके पास समय का अभाव है, जबकि समय एक प्रकृति का ऐसा वरदान है जो सबको इक्वल मिला है. यहाँ पर किसी से भी भेदभाव नहीं हुआ है, चाहे वह रिचेस्ट पर्सन हो चाहे पुअरेस्ट पर्सन हो, समय प्रकृति ने सबको सम्मान दिया है. अब कौन कितना सफल हो पाता है वह इस पर डिपेंड करेगा, वह उस समय को कैसे प्रबंध कर पाया है, कैसे मैनेज कर पाया है. बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, बहुत सारे ऐसे घटक हैं जो कि हमारे समय को प्रभावित करते हैं, समय को बर्बाद करते हैं. इन्हीं कुछ घटकों की आज हम चर्चा करेंगे. सबसे पहला घटक जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, यानी व्यक्ति का स्वयं का असंगठित रहना. जब व्यक्ति स्वयं ही इनडिसिप्लिन्ड है, समय पे काम नहीं करता है, अनुशासन में नहीं रहता है, तो वह कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा, समय को प्रबंध नहीं कर पाएगा. सबसे पहली सीख हमारे लिए है कि हम खुद ऑर्गेनाइज्ड रहें, हर चीज को सुव्यवस्थित तरीके से रखें, हर कार्य सुव्यवस्थित तरीके से करें. सेकंड है लैक ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है. आज सरकारें भी जब भी कोई कार्य शुरू करती है उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया जा सकता है. कोई भी मैनेजर जब भी कोई काम शुरू करता है उसके लिए प्लानिंग की जाती है. प्लानिंग सबसे फर्स्ट स्टेप है, जो अगर नहीं किया गया तो हम समय को प्रबंध नहीं कर सकते. हमारे पास कई कार्य होते हैं, मैनेजर को उन सब कार्यों के लिए सबसे पहले प्लान करना चाहिए कि कौन सा काम कब करना है, अपना डेली रूटीन तय किया जाना चाहिए. और हम प्लानिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि हर साल की प्लानिंग हो, हर मंथ की प्लानिंग हो, हर वीक की प्लानिंग हो, हर डे की प्लानिंग हो, इवन हर घंटे की प्लानिंग होनी चाहिए. नेक्स्ट जो टाइम वेस्टिंग फैक्टर है वो प्रोकास्टिनेशन. प्रोकास्टिनेशन मतलब चीजों को टालना, कार्यों को टालना. यदि हमारी यह प्रवृत्ति है कि हम कार्यों को टालते हैं, उनको इकट्ठा करते जाते हैं कि आज नहीं इसे कल करेंगे, इस तरीके से जब हम कार्यों को टालते रहते हैं तो धीरे धीरे वो इतने एक्युमुलेट हो जाते हैं, इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि उनको देख के ही डिप्रेशन हो जाएगा, हम उनको समय पे नहीं कर पाएंगे और समय का प्रभावी प्रबंध इस तरीके से संभव नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट इज परफेक्शन. यदि हमारी यह प्रवृत्ति कि हम हर कार्य को बहुत ही परफेक्शन के साथ करें तो समय का प्रभावी प्रबंध नहीं किया जा सकता. अगर हम छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे कार्य जिनमें कि परफेक्शन की जरूरत नहीं है, जिनको हम कम समय लेके दैनिक दिनचर्या के तौर पर कर सकते हैं, उनको हम कम समय दें, और जो इम्पोर्टेंट टास्क हैं, इम्पोर्टेंट वर्क हैं, यदि हम उनको ज़्यादा परफेक्शन से करें तो ही बेहतर होगा, तभी समय का प्रबंध किया जा सकता है. अतः हम हर कार्य को परफेक्शन के साथ नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट इज लैक ऑफ डेलीगेशन. मनुष्य की यह प्रवृत्ति कि वह सारे कार्य खुद ही करेगा तो समय का प्रबंध नहीं किया जा सकता. मैनेजर को अपने कार्य को इस तरीके से अपने सबऑर्डिनेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए कि हर कार्य समय पर हो जाए और कुछ महत्वपूर्ण कार्य वह स्वयं के पास रखे. नेक्स्ट इज इनडिसीजन, यानी अनिर्णयवाद. ये एक मैनेजर की सबसे बड़ी कमी है कि उसमें इनडिसीजन की प्रवृत्ति है, अनिर्णय की प्रवृत्ति. वह समय पर निर्णय नहीं ले पाता. अगर वह समय पर निर्णय नहीं ले पाएगा तो समय का प्रबंध नहीं किया जा सकता. सारे टास्क, क्योंकि आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो तो कार्य इकट्ठे होते जाएंगे, डिसीजन नहीं हो पा रहा है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और समय का प्रभावी प्रबंध नहीं हो पाएगा. और साथ ही सेगमेंटेशन, यानी कि विभक्तिकरण. यदि अब जो भी डिसीजंस ले रहे हैं उसमें सेगमेंटेड रहते हैं, हम जो हमारे पास बहुत सारे कार्य हैं और उसमें हम सेगमेंटेड रहते हैं, एक तरीके का प्रवृत्ति का कार्य नहीं, सब अलग अलग नेचर के वर्क हैं, तो हम समय को नहीं बचा पाएंगे. हमें एक ही तरीके की प्रवृत्ति के कार्य, एक नेचर के वर्क हमें एक साथ करने चाहिए. और इसके आगे टू मैनी वर्क, बहुत ज़्यादा काम. जब हम बहुत ज़्यादा काम ओढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट कर लेते हैं, टू मैनी कमिटमेंट, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट कर देते हैं कि हाँ ये भी हम कर लेंगे, ये भी हम कर लेंगे, तो समय का प्रबंध करना, समय का प्रभावी प्रबंध किया जाना
असंभव हो जाएगा। इसलिए हमें उतने ही कार्य लेने चाहिए जितना कि हमारे सामर्थ्य में है, जितना कि हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्राइसिस मैनेजमेंट। कई बार हमारी यह प्रवृत्ति कि अभी हम इसको नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे, और हम तब उस काम को करें जबकि क्राइसिस की सिचुएशन है, और तब हम हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको भी स्ट्रेस में डालते हैं, डिप्रेशन में डालते हैं, उन पर को टॉर्चर करते हैं उस काम को करने के लिए। तो जब हम क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं तब भी हम समय को प्रबंध नहीं कर सकते हैं। और साथ ही बहुत ज़्यादा मीटिंग्स करना, मीटिंग्स के लिए हम समय पे एजेंडा नहीं भेज रहे हैं, मीटिंग्स बुला लिए हमने, सबको बुला लिया है, तो उनसे ना तो केवल हमारा समय बर्बाद होगा बल्कि साथ में हमने जिनको बिना एजेंडा के, बिना सूचित किए मीटिंग बना ली है, उनका भी समय बर्बाद होगा। साथ ही नेगेटिव अप्रोच, एनजाइटी, स्ट्रेस, इस तरीके के कई फैक्टर्स हैं जो कि समय को बर्बाद करते हैं। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट डे लेंगे, इफेक्टिव मैनेजमेंट, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। थैंक यू।